में परिवर्तन के कारण स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। बर्फ को गर्म कर दिया जाए तो क्या बनेगा? वाटर। और जल को गर्म कर दिया जाए तो क्या बनेगा? जलवाष्प। गर्म करने पर क्या बनती है? जलवाष्प। जलवाष्प को ठंडा कर दिया जाए तो क्या बनेगा? जल। जल को ठंडा कर दो तो क्या बनेगा? दर्शा दीजिए। बर्फ को हीट करोगे तो वाटर बनेगा, वाटर को हीट करोगे तो वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर को फ्रीज करोगे तो वाटर बनेगा, वाटर को फ्रीज करोगे तो आइस। नोट कर लीजिएगा इसे। नोट करने के बाद पॉइंट बना के लिखे, पॉइंट बना के लिखे। भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ की अवस्था में, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ की अवस्था में, की अवस्था में निम्न परिवर्तन होते हैं, की अवस्था में निम्न परिवर्तन होते हैं। नंबर एक हेडिंग लिखेगा गलनांक। नंबर एक हेडिंग लिखना आप लोगों को गलनांक। गलनांक सुने गलनांक किसे कहते हैं? मेल्ट करना। मेल्ट करना मतलब कि पिघलना। जब कोई ठोस दरों में परिवर्तित हो जाए, कोई ठोस दरों में कब परिवर्तित कब होगा? जब उसे गर्म करोगे, जब वो मेल्ट होगा। बात समझिए, जब ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग गलनांक कहते हैं। किसी न्यूनतम ताप पर ठोस का द्रव में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। लिखिएगा इसके अंतर्गत, जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पदार्थ पिघल कर, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। गलनांक कहलाता है। पॉइंट बना के लिखेगा,
केसी ठोस का गलनांक, पॉइंट बना के लिखना है, केसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के, उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। आकर्षण बल के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। फिर पॉइंट बना के लिखिए, बर्फ का गलनांक 273.15 273.15 केल्विन होता है। नंबर दो की हेडिंग लिखेगा हिमांग, नंबर दो की हेडिंग लिखना है हिमांग, फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांग मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्ट मींस क्या हुआ था, गलना। गलेगती कौन चीज है जो क्या होती है, सॉलिड होती है। क्या आपने कभी देखा दरो गल के दरो हो जाए, ठोस से दरों में परिवर्तित होता है। मेल्ट करना मतलब कि ठोस से दरों में आने की क्रिया को क्या कहे थे, गलनांक। आपकी क्या कह रहे हैं, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज करना। फ्रीज मीन्स जमना, हिम हिम मीन्स क्या, जमना। जमती कौन चीज है, ठोस, जम के तो ठोस होता नहीं है, कौन सी चीज जमती है, लिक्विड। तो क्या होगा, जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए, माध्यम फ्रीज। फ्रीज कौन चीज होती है, लिक्विड से द्रव में परिवर्तन जो होता है उसी को फ्रीज करना कहते हैं। जैसे देखा होगा हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या रखते हैं, वाटर रखते हैं, कुछ देर तक अगर रहता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, आइस में। मतलब कि फ्रीज कौन चीज करती है, लिक्विड। तो क्वथनांक नहीं, ये किसकी बात कर रहे हैं, हिमांक। हिमांक में क्या होगा, जब कोई चीज फ्रीज करके सॉलिड, कोई चीज क्या, जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हिमांक। हिमांक किसे कहेंगे, जब कोई पदार्थ वायुमंडल के मानक दाब पर द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हिमांक। लिखिएगा इसके अंतर्गत, वायुमंडल के मानक दाब पर, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ, कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, से ठोस अवस्था में परिवर्तित तो, परिवर्तित तो हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है तो पदार्थ का हिमांक कहलाता है, पदार्थ का हिमांक कहलाता है। यहां पर आने के बाद इसकी भी बातें समाप्त तो होती हैं। नंबर तीन की हेडिंग लिखेगा क्वथनांक, नंबर तीन की हेडिंग है क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, नंबर तीन की हेडिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट।
कोई चीज बॉयल करके कहाँ जाए, बॉयल किसका करते हैं, ठोस द्रव सबका करते हैं, बॉयल करके वो कहाँ चला जाए, वाष्प अवस्था में। जब कोई पदार्थ द्रव से वाष्प अवस्था में चला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। बात समझो, क्वथनांक किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लिखने के लिए रहने दीजिए, समझ तो चुके ही, यही एक हेडिंग ही डाल के छोड़ दीजिएगा, क्वथनांक। आज बातें सुने, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में जानकारी लिया कि गैस अवस्था किसे कहते हैं, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने जाना पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जो होता है उसका मान किस पर निर्भर करता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा, आइस को हीट करते हैं तो वाटर, वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर, वाटर वेपर को ठंडा करते हैं तो लिक्विड, यानी कि हाँ लिक्विड जल, और इसे जब जल को ठंडा करते हैं तो आइस। और इसमें भी भौतिक अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर कैसे होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर एक हम लोगों ने जानकारी लिया गलनांक। गलनांक मीन्स क्या होता है, गलना, गलती कौन चीज है, जब कोई ठोस गल के द्रव में परिवर्तित हो जाए उसी को गलनांक। नंबर दो हम लोगों ने किसके बारे में, हिमांक, हिमांक मीन्स होता है फ्रीज, फ्रीज मतलब जमना, जमते जब कोई द्रव से ठोस में चला जाए तो उसे हिमांक कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। और एक नंबर तीन की एक हेडिंग डाल करके हम लोग छोड़ दे रहे हैं, आज ही मैं अपनी बातों की समाप्ति करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।